second session post workout. So around 90 minutes ke workout ke baad, the way I finish my workout is doing 10 to 20 sprint with medium intensity to super fast intensity, and then again back to medium intensity. So the game is ki jo heart rate hai usko manipulate karna hai. So we talk after one more sprint. Already मैं 10 कर चुका हूँ, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू किए. सो या अनदर 5-7 स्प्रिंट्स आई विल डू. सो या बैक टू स्प्रिंट. स्प्रिंट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी मसल पंप हुआ है, जो भी बॉडी ने क्रिएट करा है एनर्जी, पूरी एनर्जी, उसके बाद जो नन्ही सी एनर्जी बची होती है, दैट इज़ योर रियल एनर्जी. दैट इज़ वेयर द एक्चुअल स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्टेमिना, एक्चुअल एंड्यूरेंस, जो पीक परफॉर्मेंस होती है, वो हमेशा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद जो 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा पुश किया जाता है ना, दैट मेक्स अ डिफरेंस. वर्कआउट तो सब पेल रिजिम के अंदर सब वेट मार रहे हैं, बट दिस हर बंदा नहीं करता. फोकस ऑन स्प्रिंट, फोकस ऑन कार्डियो, एंड डू कार्डियो आफ्टर योर वर्कआउट जब पूरा शरीर टूट चुका है. एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज योर वर्कआउट. जितनी ताकत से वर्कआउट करते हो हमेशा 10% ज़्यादा करो, उसके बाद स्प्रिंट करो, एंड अगेन उसमें भी 10% ज़्यादा करो. सो नेक्स्ट राउंड. सांस लेना और मुंह से निकालना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सी मेरा हार्ट रेट कितनी जल्दी नॉर्मल हो रहा है. स्प्रिंट मार रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पार्क कर रहा हूँ, माय हार्ट रेट इज बैक टू नॉर्मल. दिस इज बिकॉज आई नो हाउ टू, यू नो, मुझे मेरे हार्ट की स्ट्रेंथ, मुझे मेरे लंग्स की स्ट्रेंथ, उसके साथ खेलना आता है, प्ले अराउंड करना आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर यू आर टर्निंग गोल्ड एवरी डे. सो ये स्ट्रेंथ, वेट मारने की ताकत ही हमेशा नहीं रहेगी, बट योर स्टेमिना, एथलेटिक परफॉर्मेंस, कार्डियो, ये वो चीज़ें हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग आपको फिट रखेगी. बैक टू अनदर राउंड. मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं बना पाता और अच्छा कंटेंट नहीं बना पाता बिकॉज जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, मुझे ऑनेस्टली अपने फ़ोन को यूज़ करने का मन नहीं करता कि मैं शूट करूँ, रिकॉर्ड करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो मेरा सारा वर्कआउट पूरा हाई इंटेंसिटी और कंपाउंड होता है. और मेरा कोई बंदा तो रखा नहीं हुआ है जो मेरे को शूट करे, बट आई विल ट्राई जितना मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ. बैक टू अनदर राउंड. हट जा. ऑनेस्टली और मेरे पास मैंने कोई हिम्मत नहीं कि मैं कैमरा चेक करूँ. आ रही होगी तो अपलोड हो जाएगी, नहीं आई होगी. नेक्स्ट राउंड.
फिनिश विद पुशअप। फिनिश माई वर्कआउट एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन मेरा वर्कआउट होता है वो इसी नोट पे खत्म होता है कि जितने भी स्प्रिंट लगे टिल द टाइम एंड जितनी एनर्जी होती है करने की सो डू इट। पतले हो मोटे हो जिम में नए हो जिम में पुराने हो 10 साल हो गए 1 महीना हो गया कुछ भी है स्प्रिंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कार्डियो भागना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भागते हो ना तो टो से लेकर बाल तक हर चीज़ मूव करती है। हर चीज़ जो है वो मसल्स वाइब्रेट होते हैं अंदर जो फैट कट ऑन करने में बहुत हेल्प करेगा आपके मसल्स को रिप करने में उसको हार्ड करने में मसल को डिफाइन करने में हर चीज़ के अंदर हेल्प करेगा। सो फुटबॉलर्स को देखो यार लाइक रोनाल्डो एंड एडामा तोरे इतने सारे फुटबॉलर ज़्लातान इब्राहिमोविच दे ऑल डू इनक्रेडिबल लेवल ऑफ कार्डियो बट हाड़ू स्प्रिंट करते हैं। लुक एट द फिजिक रोनाल्डो इज 38 ईयर्स ओल्ड एंड लुक एट हिज फिजिक विराट कोहली। सो ये लोग कोई भगवान नहीं है दे जस्ट नो द करेक्ट वे टू वर्कआउट। ये डेडलिफ्ट के ऊपर पर्सनल रिकॉर्ड नहीं बना रहे ये स्क्वाट्स के ऊपर पर्सनल रिकॉर्ड नहीं बना रहे दे फोकस एंड दे अंडरस्टैंड कि बॉडी क्या डिमांड कर रही है। सो यार मैं और क्या बोलूँ यार धीरे धीरे आगे बताऊँगा। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई होप वीडियो आ गया हो। बाकी एंड में को सिनेमेटिक्स है थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ सो इफ यू लाइक इट काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चेस।